हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स और एमएससी फर्स्ट ईयर की स्टैटमैक की इस लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्विड हीलियम। लिक्विड हीलियम, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 4He। ठीक है, अब देखो भाई, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो लिक्विड हीलियम है इसका स्ट्रेंज बिहेवियर, ठीक है, इसका एक स्ट्रेंज बिहेवियर होता है, इसका जो फेज ट्रांजिशन है वो देखेंगे और फिर देखेंगे कि वो ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों है, कैसे है, वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर का प्लॉट बनाएंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमने मान लिया प्रेशर, ठीक है, और ये है टेम्परेचर। अब जैसे मान लो मैं बात करूं वाटर की, पानी की, ठीक है, वाटर के केस में क्या होता है, अगर आप यही प्लॉट बनाते हो, ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर है ना, तो वो कुछ इस तरह का आता है, देखो कुछ इस तरह का आता है। यहां पर ये होता है गैस या फिर कह सकते हो वेपर, ये है आपका लिक्विड, वेल प्रेशर, यस ये है लिक्विड और ये है सॉलिड, यस हाँ। तो देखो अब वाटर के केस में क्या होता है कि ये एक ट्रिपल पॉइंट कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। वाटर के केस में हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पर ये तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अराउंड जीरो केल्विन पे ही मिलता है वो, सॉरी जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड मिलता है। तो वो एक पॉइंट है जहां पर ये तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती है, मतलब हम इसका टेम्परेचर और प्रेशर जिस तरह से वेरी करते हैं, मान लो इसके अराउंड होगा तो वो गैस फॉर्म में होगी, इसके अराउंड होगा तो वो सॉलिड फॉर्म में होगी, और फिर अगर हम इसी टेम्परेचर के ऊपर और अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आता है फेज ट्रांजिशन ऑफ वाटर। अब वैसे ही हम स्टडी करते हैं लिक्विड सॉरी हीलियम का, हीलियम का इसका अब क्या होता है, ध्यान देना, ये है आपका प्रेशर, तो मैं कुछ यहां से बना देता हूं ये, ठीक है, चलो इतना भी नहीं होता, ये कुछ इतना ही होता है बस, ठीक है, ये होती गैस स्टेज। हीलियम की बात है, हीलियम के जो एटम्स हैं अगर इनका ये बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, इसके लिए जो प्रेशर है वो है आपका 2.26 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और ये जो टेम्परेचर है ये है आपका 5.2 केल्विन, है ना, और ये लेटस से हमने 3 मान लिया, ये लेटस से 2 है, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है। गैस का बात समझ हुआ कि अगर देखो ये है आपका यहां पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 2 एटमॉस्फेरिक टाइम्स 2 है, लेकिन अगर आप इससे नीचे की बात करते हो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, तो आप इसका अगर टेम्परेचर कम करते हो तो ये गैसियस फॉर्म में रहता है, अगर आप इसका टेम्परेचर इससे भी बिलो लेके जाते हो, ठीक है, 3 केल्विन, ये केल्विन है, ठीक है, 3 केल्विन से भी नीचे लेके जाते हो तब वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, है ना। और अगर आप मान लीजिए टेम्परेचर आपने इतना कर रखा है, लगभग 4-5 के बीच में है, अगर इससे ऊपर अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करते हो तो भी वो लिक्विड फॉर्म में आती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने मान लो ये लिक्विड फॉर्म में आ गया यहां पर, ठीक है, इसके बाद भी अगर हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएं टूवर्ड्स द एब्सोल्यूट जीरो, होना क्या चाहिए, वो सॉलिड बन जाना चाहिए ना, जैसे इसमें है, अगर हम टूवर्ड्स जीरो की तरफ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एकदम सॉलिड बन जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, लिक्विड हीलियम के केस में ऐसा नहीं होता, आप टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो कर दो तो भी नहीं होगा, तो भी वो सॉलिडिफाई नहीं होगा। अगर आपको इसको सॉलिडिफाई करना है, ठीक है, अगर सॉलिडिफाई करना तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा अप टू 25
25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो ये आता है कुछ ऐसा, यहां पर ये सॉलिड होता है। अगर आपने इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो आपको प्रेशर है वो इतना बढ़ाना ही पड़ेगा, 25 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये सॉलिडिफाई नहीं होता, ठीक है, ये इसका बिहेवियर। और यहां पर मैंने दो बार सॉलिड लिखा है, ये भी मैं समझाऊंगा। क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने यहां से शुरू किया, ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में था, आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर डिक्रीज किया और इसका लेट्स से आपने प्रेशर इंक्रीज किया, तो ये एक लिक्विड फॉर्म में आता है, इसको बोला जाता है हीलियम टू, सॉरी हीलियम वन, ये है हीलियम वन लिक्विड, है ना। इसके फर्दर ये वाला जो लिक्विड हीलियम है, ठीक है, ये बिहेव करता है एज ए नॉर्मल लिक्विड, नॉर्मल लिक्विड, ठीक है, नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव करता है ये जो आपका हीलियम वन लिक्विड है। अब आप क्या करते हो, इसका जो टेम्परेचर है वो और डिक्रीज करते हो, और ज्यादा डिक्रीज करते हो, तो एक पॉइंट आता है 2.186 केल्विन, ठीक है, ये वाला वो पॉइंट है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर आपका एक फेज ट्रांजिशन होता है, क्या होता है, फेज ट्रांजिशन होता है, और मैं ये लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ करना चाहता हूं, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है वो है आपका T equals to 1.54 केल्विन, ठीक है, और जो प्रेशर है वो है 29 point something, 29 plus, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है। अब क्या होता है, ये एक ट्रांजिशन होता है, इसके बाद जो हमें लिक्विड मिलता है उसको बोला जाता है हीलियम टू, क्योंकि देखो यहां पर ये अलग तरह से बिहेव करता है और इसके बाद ये अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर हम इसका जो टेम्परेचर है वो 2.186 केल्विन या फिर इससे बिलो लेके जाते हैं, तब इसके इसकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, ठीक है। तो इस लिक्विड को और इस लिक्विड को अलग अलग बताने के लिए इसको हमने बोला हीलियम टू, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन से ड्रास्टिक चेंज आते हैं इसमें। जो पहला है वो है हीट कंडक्टिविटी, ठीक है, जो फर्स्ट है वो है हीट कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी वो हो जाती है आपकी 3 × 10⁶ टाइम्स, ठीक है, टाइम्स ग्रेटर, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हीट कंडक्टिविटी, ठीक है। दूसरी बात कि इसका जो विस्कोसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो क्या होता है, 10⁻¹ होता है, मतलब या फिर कह सकते हो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज और 10⁻¹, ये कह सकते हो आप। जैसे ही आप इस टेम्परेचर के ऊपर पहुंचे, ये वाला जो टेम्परेचर है इसके ऊपर पहुंचे, तो इसके आगे अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो इसका जो विस्कोसिटी है वो क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, और जैसे आप नियर टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर पहुंचे तो वो जीरो हो जाता है, या फिर कह सकते हो अदर टर्म्स में इट बिकम्स सुपर फ्लूइड, सही है, क्या बन जाता है, ये एक सुपर फ्लूइड बन जाता है, ठीक है, ये और कैन ऑल्सो मूव अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये भी होता है। एक जैसे मान लो कि ये आपने एक मतलब कोई भी चैम्बर लिया जिसके अंदर ये गैस भरी पड़ी है, तो जब आप इसका टेम्परेचर इतना डिक्रीज कर देते हो इस टेम्परेचर से बिलो, ठीक है, तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या करने लगता है, मूव करने लगता है या फिर फ्लो करने लगता है, ये कह सकते हो आप, ठीक है, ये होता है इसका ड्रास्टिक चेंज। उसके अलावा जैसे हीट कैपेसिटी है, ठीक है, हीट कैपेसिटी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, CV tends to infinite कह सकते हो, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हीट कैपेसिटी, ये है इसका स्ट्रेंज बिहेवियर, किसके ऊपर, इस टेम्परेचर या फिर इससे बिलो, ठीक है। इसको हमने बताने के लिए क्या बोला है, ये एक हीलियम टू लिक्विड है। अब बात करते हैं ये जो ट्रांजिशन है, ठीक है, दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड लैम्डा ट्रांजिशन,
ठीक है, क्या कहलाता है, लैम्डा ट्रांजिशन। क्यों? देखो, मैं अगर हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर के बीच अगर एक प्लॉट बनाना चाहूँ, ठीक है, ये लेट अस से आपका है हीट कैपेसिटी सीवी, ठीक है, और ये है आपका टेम्परेचर, और लेट अस से ये है वो टी लैम्डा, ठीक है, लैम्डा टेम्परेचर या फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, ये जो हीट कैपेसिटी का वैल्यू है वो टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, ये है हीट कैपेसिटी इस टेम्परेचर के नीचे। और इसके बाद की बात करें तो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, ये है आपका आर, यहां पर यह है टू आर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है कि इस ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर टी लैम्डा, क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर हीट कैपेसिटी वो इनफाइनाइट होती है, या फिर कह सकते हो सीवी है वो क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इसके बाद जब आप देखते हो तो ये जो हीट कैपेसिटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, लेकिन इससे आप इधर देखते हो या फिर कह सकते हो इस ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर हीट कैपेसिटी क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। ये है इसके ड्रास्टिक चेंज जो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो हीलियम, लिक्विड हीलियम है, वो क्या बन जाता है, एक सुपर फ्लूइड बन जाता है, ठीक है। और आप मतलब अदर एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हो जो लिक्विड हीलियम के है ना, जिनमें वो टेम्परेचर और प्रेशर डिक्रीज करते हैं ना, ठीक है। इतनी बात हुई, अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। बाय लंदन थ्योरी, ठीक है, लंदन ने ये एक्सप्लेन किया कैसे। देखो भाई, ये जो हीलियम गैस है या फिर कह सकते हो जो लिक्विड हीलियम है, इट बिहेव्स, लंदन ने ये बात बताई, बिहेव्स लाइक आइडियल बोस आइंस्टाइन गैस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो हीलियम है, ठीक है, इसके अंदर कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, दो ही प्रोटॉन है और दो ही न्यूट्रॉन है, यही है। इसका मतलब ये क्या होनी चाहिए, देखो फर्मियन से वो तो इवन है, तो इसका मतलब ये कौन सी गैस है, ये बोस आइंस्टाइन गैस है कि नहीं, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक फॉलो करेगी कि नहीं, क्योंकि ये बोस आइंस्टाइन गैस है तो क्या फॉलो करेगी, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक। और उसके अंदर हमने देखा था कि एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसिएशन होता है, ये बिल्कुल वो की वही बात आ रही है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसिएशन क्या होता है कि जब आप टी ग्रेटर देन टी नॉट करते हो तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, वो ग्राउंड स्टेट में कितने होते हैं, जीरो, और हायर एक्साइटेड स्टेट में कितने आ जाते हैं, एन, जब आप टी ग्रेटर देन टी नॉट जाते हो। जब आप टी लेस देन टी नॉट जाते हो, फिर टी इक्वल्स टू टी नॉट जाते हो, उस केस में सारे जितने भी एटम्स हैं, जो हायर एक्साइटेड स्टेट के जो एटम्स हैं, वो किस में आते हैं, ग्राउंड स्टेट में आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, सारे एटम जब आप इस टेम्परेचर से बिलो जाते हो तो सारे एटम क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट में आना शुरू कर देते हैं। यहां से आप कह सकते हो हीट कैपेसिटी अगर टेंड्स टू जीरो हो रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर देखो, ये तो है आपका लगभग 1.2 केल्विन है, इससे भी नीचे आप जाते हो ना तो क्या होता है, जो एंट्रोपी है वो भी टेंड्स टू जीरो होगा, सही है ना, एंट्रोपी भी तो जीरो होगा, वही काम यहां पर हो रहा है। सारे पार्टिकल, सारे एटम अगर ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं तो क्या होगा, एंट्रोपी बेस्ड डेफिनेटली जीरो होगा, जीरो तो होगा क्योंकि डिसऑर्डरनेस क्या हो गई, खत्म हो गई, सारे पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में आ गए। अब देखो, अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो इतना तो बात हुआ है ना। अब जो हमने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की जो कंडीशन पढ़ी थी वो थी आपकी 1/d इक्वल्स टू जी एस जेड टी बाई एन, यही था, या फिर अगर मैं जेड टी का वैल्यू रखूं तो ये था आपका जी एस जेड टी का डिवाइडेड बाई एन इंटू वी, है ना, यही था, ये डी का वैल्यू था, ये डी का वैल्यू था, है ना। और अगर मैं यहां से 1/d लिखना चाहूं, 1/d, देखो यहीं से हम इसको सोल्व करेंगे कि कैसे होता है। तो 1/d अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा,
एन डिवाइडेड बाय जी एस जेड टी, ठीक है, जेड टी का वैल्यू अगर मैं रखूं तो एन बाय जी एस इंटू वी, और ये आपका आया था टू पाई एम के टी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर की पावर 3/2, यही था, लेट मी चेक, एन ओवर जी एस वी, हाँ यस, ठीक है, यही हमने डिराइव किया था जो हमने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन पढ़ा था। अब देखो क्या बता रहा हूं मैं, फोर हीलियम गैस, देखो ये हीलियम गैस किससे बनी है, आइसोटॉप ऑफ हीलियम, ठीक है, इसके लिए जो मास ऑफ पार्टिकल है, अब मैं रीजन बता रहा हूं, मास ऑफ पार्टिकल्स है या फिर कह सकते हो मास ऑफ एटम्स है, एटम्स है वो क्या है, वेरी लेस, बहुत कम है उसका मास, ठीक है, मास कम है तो ये जो n डिवाइडेड बाय v क्या है, डेंसिटी, वो क्या हो जाती है, वेरी हाई होगी कि नहीं होगी, ये कितना है, बहुत कम है, ठीक है, तो n बाय v क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, सही है, तो उस केस में देखो तब क्या होगा, तो जो 1/d है क्या होता है, डीजेनरेसी, 1/d किसको बताता है, डीजेनरेसी क्या हो जाएगी, मोर मार्क्ड, मतलब डीजेनरेसी का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो 1/d मतलब डीजेनरेसी बिकम्स मोर मार्क्ड, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मैं इसके लिए अगर टी नॉट डिफाइन करूं, ठीक है, जो हमने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन में पढ़ा था ना, टी नॉट, अगर मैं इसके लिए अगर टी नॉट लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे, देखो यहां से किसका वैल्यू, हाँ जो आपका एन का वैल्यू आया था ना, लेट मी सी, हाँ जो जी एस जेड टी, ये आया था जी एस जेड टी एट टी इक्वल्स टू टी नॉट, वो आया था आपके इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय एफ 3/2 0, ये वैल्यू आया था, ठीक है, एट टी इक्वल्स टू टी नॉट जेड टी का वैल्यू। अब यहां से मैं अगर जेड टी का वैल्यू रखूं तो क्या आएगा, जी एस, इसका वैल्यू फिक्स था, अगर मैं जेड टी में टी इक्वल्स टू टी नॉट लिखूं तो ये बनेगा आपका जी एस डिवाइडेड बाय सॉरी जी एस इंटू वी टू पाई एम के टी अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, ये टी नॉट बन जाएगा पावर 3/2 इक्वल्स टू एन अपॉन 2.612, यही था 2. यस हाँ जी एस यस हम सही है। अब अगर मैं यहां से टी नॉट निकालूं, टी नॉट कैसे निकलेगा, पहले ये इधर भेज दें तो क्या आएगा, एन बाय जी एस इंटू वी 2.612, यही है, पावर कितना आएगा 2/3, ठीक है, और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, टी नॉट इक्वल्स टू एच स्क्वायर ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय 2πmk, यही आएगा, यस ये टी नॉट है। अब देखो यहां पर किस किस की वैल्यू, ये फिक्स है, सारे फिक्स है, मास पता है आपको। अब अगर वी का वैल्यू, इफ वी इक्वल्स टू कितना है 27.4 सेंटीमीटर क्यूब, अगर हम ये रखें इसका वॉल्यूम, तो आपका ये टी नॉट का वैल्यू जो है वो आ जाता है 3.14 केल्विन। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमने किससे डिराइव किया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की इक्वेशन से, कब, जब आपका टी इक्वल्स टू क्या हो जाए, टी नॉट, एट टी इक्वल्स टू टी नॉट, उस केस में हमने टी नॉट का वैल्यू निकाला, वो क्या है 3.14, ये क्या है थ्योरेटिकली, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो वैल्यू आ रहा है 2.186 केल्विन, ठीक है, इतना फर्क चलता है थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो अगर ये आपका हीलियम गैस है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बोस आइंस्टाइन गैस, और उसके लिए थ्योरेटिकली वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया वो है 3.14 केल्विन, और एक्सपेरिमेंटली हमने जो वेरीफाई किया है वो है 2.186 केल्विन। तो इस लिक्विड हीलियम के ये जो ड्रास्टिक चेंज है,
जो इस टी लैम्डा के ऊपर होते हैं वो हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका लिक्विड हीलियम गैस है ठीक है, उसके जो एटम है ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं टी ग्रेटर देन टी नॉट ठीक है, उस पर क्या होंगे, सारे एटम एक्साइटेड स्टेट्स में है ठीक है, कुछ इस तरह से, और ग्राउंड स्टेट एम्प्टी। और अगर टी लेस देन टी नॉट की बात करें तो ये सारे किस में आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे सारे के सारे ठीक है। और आपका गैस क्या बन जाता है, एक सुपर फ्लूइड की तरह बिहेव करने लग जाता है, और जो आपका हीट कंडक्टिविटी है और हीट कैपेसिटी है वो क्या बन जाता है, इनफाइनाइट कह सकते हो, फिर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है एट दिस ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये था आपका लिक्विड हीलियम, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ फर्मी डिराक गैस। थैंक यू।